भारत में ऐसे रहस्यमयी और दिलचस्प मंदिर है जहाँ युगों से अखंड दीप जलाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वाराणसी के काल भैरव मंदिर में जो दीप जलाया जाता है उसमें हीलिंग पावर होता है। साथ ही भगवान भैरव की प्रतिमा में सीधे शराब की बोतल चढ़ा दी जाती है। ऐसे ही भारत में कुछ रहस्यमयी और दिलचस्प मंदिर है जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। भारत की कुछ रहस्यमय मंदिर जहाँ होती है कई अविश्वसनीय घटनाएं। भारत करोड़ों देवी देवताओं की भूमि है जो अपने प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत देश के आसपास आपको विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिल जाएंगे जिन्हें अपनी संस्कृति, मान्यताओं या रिद्धि की वजह से जाना जाता है। भारत में ऐसे कई रहस्यमय मंदिर भी हैं जो अपने अपरंपरागत देवी देवताओं के कारण, भूत प्रेत संस्कार के कारण यहाँ हजारों वर्ष पुराने मंदिरों के लिए जाने जाते हैं। आज हम आपको ऐसे मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने आप में कई रहस्यों से भरे हुए हैं। तो चलिए फिर हम आपको उन मंदिरों के बारे में जानकारी देते हैं जो अपने आप में ही कई रहस्यों से भरे हुए हैं। वेंकटेश्वर मंदिर, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश अपनी सुंदरता और खूबसूरती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वही यहाँ स्थित वेंकटेश्वर मंदिर बहुत मशहूर है। वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में मौजूद है। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर को तिरुपति के रूप में जाना जाता है, जो देश के सबसे मशहूर मंदिरों में शुमार है। ऐसा माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर यहाँ मूर्ति के रूप में धारण हुए थे, जिसकी वजह से इस मंदिर की स्थापना यहाँ की गई। आपको बता दें, इस मंदिर में दो विशाल हाल हैं। यहाँ रोजाना 1200 से अधिक तीर्थयात्रियों के बाल काटते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ साल भर में लगभग 75 टन बाल पहुँच जाते हैं। इन बालों को बेचकर तिरुपति मंदिर की 6.5 मिलियन से अधिक कमाई होती है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर, गुजरात। गुजरात में मौजूद स्तंभेश्वर महादेव मंदिर भारत के अविश्वसनीय और रहस्यमय मंदिरों में आता है। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर दिन में कुछ समय के लिए पूरी तरह से गायब हो जाता है और गायब होने के बाद इस मंदिर का एक भी हिस्सा दिखाई नहीं देता। ये मंदिर गुजरात में अरब सागर और कैम्बे की खाड़ी के तट के बीच मौजूद है और हाई टाइड के दौरान ये मंदिर रोजाना पानी में डूब जाता है और हाई टाइड का स्तर नीचे जाने पर ये मंदिर फिर से ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद फिर इस मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाता है। प्रकृति के इस असाधारण नज़ारे को देखने के लिए यहाँ हजारों में भीड़ जमा हो जाती है। ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर, राजस्थान। ब्रह्मा मंदिर भी राजस्थान का रहस्यमय मंदिर है जहाँ भगवान ब्रह्मा की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा मंदिर 2000 साल पुराना है, जिसे 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसे आदि शंकराचार्य और ऋषि विश्वामित्र द्वारा निर्मित किया गया था। करणी माता मंदिर, राजस्थान। देशनोक नगर में करणी माता का मंदिर मौजूद है। ये मंदिर भी किसी रहस्यमय मंदिर से कम नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में 20,000 से अधिक चूहे हैं और चूहों का झूठा भोजन बेहद पवित्र माना जाता है। भोजन को वहाँ प्रसाद के रूप में भी बांटा जाता है। ऐसा भी मान्यता है कि अगर एक चूहा मारा जाता है तो उसकी जगह पर एक सोने का चूहा रख दिया जाता है। कामाख्या देवी मंदिर, गुवाहाटी, असम। गुवाहाटी के नीलांचल पहाड़ी पर मौजूद कामाख्या देवी मंदिर असम का सबसे मशहूर मंदिर है। ये मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में आता है। इस मंदिर को अपने काले जादू के अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। हर साल मानसून के दौरान देवी के मानसिक धर्म के दौरान मंदिर 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है और माना जाता है कि गर्भगृह से बहने वाला झरना उन 3 दिनों में लाल हो जाता है। साथ ही भक्तों को प्रसाद के रूप में पत्थर की मूर्ति को ढकने वाला लाल कपड़ा काट कर दिया जाता है। कोंडुगलूर भगवती मंदिर, केरल। केरल का कोंडुगलूर भगवती मंदिर प्राचीन मंदिरों में शामिल है। इस मंदिर को शक्तिशाली शक्तिपीठों में गिना जाता है। कोंडुगलूर भगवती मंदिर का रहस्य ये है कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ होने वाली पूजा अर्चना या अनुष्ठान देवी के निर्देशों के आधार पर किए जाते हैं। वीरभद्र मंदिर, आंध्र प्रदेश। वीरभद्र मंदिर भारत के सबसे रहस्यमय मंदिरों में शामिल है। वीरभद्र मंदिर की एक रहस्यमय बात यह है कि यहाँ 70 बड़े स्तंभों में एक स्तंभ मंदिर की छत को छूता है, लेकिन जमीन से उठा रहता है। इस पिलर को हैंगिंग पिलर भी कहते हैं।
यहाँ अक्सर पर्यटक पिलर के नीचे से कपड़ा निकालते हुए इस पिलर को टेस्ट करके देखते हैं। कई पर्यटक इस पिलर के साथ फोटो भी खिंचवाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही बेहतरीन जानकारी वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल में करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।